सुनिए तो के सामईन, श्रोतागण, नाजरीन और दर्शकों को इख्तदार आबदी का पुरखलूस आदाब, सलामुन अलैकुम, सत श्री अकाल और बहुत बहुत नमस्कार। हमें बेहद खुशी है कि हम खैर मकदम करते हैं जनाब रहबर गयावी साहब का, जो कि गया बिहार के बाशिंदे हैं और इनका अदबी और तालीमी इदारों से काफ़ी ताल्लुक़ है और आप काफ़ी मशहूर और मरूफ शायर भी हैं बिहार के और पूरे हिंदुस्तान के, और अपना एक बहुत व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं। तो आप जहाँ तक, अभी मैं आपसे अर्ज करूँगा कि आप अपना तारुफ ज़्यादा थोड़ा खुद कीजिए, लेकिन मुझे बात पसंद आई कि आपने संजीदा के साथ साथ कुछ मजाहिया शायरी को भी फ़रोग़ दिया है, तो आपने उस सिलसिले में अपना एक तखल्लुस चोंच रखा है, तो इसके बारे में बताइए और जो भी आप हमारे सामईन से फरमाना चाहते हैं बराए करम। बिस्मिल्लाह। सुनिए तो के नाजरीन, आप सबों की खिदमत में पुरखलूस सलाम पेश है। मैं सबसे पहले मुख्तसरन अपना तारुफ कराता चलूं। जी मेरा असल नाम मोहम्मद फसीम अहमद है। वाह, रहबर गयावी की हैसियत से मुझे संजीदा शायरी में जाना पहचाना जाता है, जी जबकि तंज व मजाह की दुनिया में मुझे लोग चोंच गयावी के नाम से जानते हैं। वाह वाह, क्या बात है। 5 जनवरी 1967 हमारी तारीख पैदाइश है। गया बिहार के अदबी और मर्दुम खेज बस्ती यादगिला में मेरी पैदाइश हुई। बचपन से ही अदबी लगाव रहा, क्योंकि मेरे बड़े भाई मशहूर अफसाना निगार असलम सलाजार वाह उस जमाने में गोशे अदब नाम से एक बज़्म चलाते थे और हमारे यहाँ अदबा अशोरा की नशस्तें हुआ करती थी। उन लोगों जी, की वजह से मुझे भी लिखने पढ़ने का शौक हुआ। 1987 से मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैं भी अदब की तरफ रागिब हुआ और बाजाबता तौर पर रहबर गयावी के तखल्लुस से मैंने संजीदा शायरी शुरू की। वाह 1993 में मैंने तंज व मजाह की तरफ रुख किया और जी, तब मैंने अपना तखल्लुस चोंच गयावी रखा। क्या बात है। मेरे दो जी शुक्रिया दो मजाहिया शेरी मजमुए 2009 में तस्वीरे वक्त, जो कि बिहार उर्दू एकेडमी के जुज़वी माली ताउन से मंजरेआम पे आया, जी और दूसरा शेरी मजमूआ 2019 में बिहार उर्दू डायरेक्टरेट पटना के माली ताउन से जरा बच के मंजरेआम वाह, क्या पे आया है। बात। तीसरा शेरी मजमूआ तबात के लिए मुंतजर है, जिसका मुसव्वदा बिहार उर्दू एकेडमी में जमा है। उस शेरी मजमुए का नाम है छटपटा है। वाह ये सभी तंज व मजाह के मजमुए हैं। संजीदा मजमुआ जेर तरतीब है। वाह, इंशा अल्लाह मुबारक। ताला आइंदा साल संजीदा मजमुआ भी मंजरे आम पे आएगा। जी आमीन। जी शुक्रिया। जब मैंने शेरो अदब से ताल्लुक पैदा किया तो सबसे पहले मैंने मोहम्मद यूसुफ अंसारी समर टेकारवी साहब से रुजू किया और वो मेरे उस्ताद हुए शायरी के। 5 सितंबर 1995 को उनके इंतकाल के बाद समर टेकारवी साहब के छोटे भाई मोहम्मद याकूब अंसारी अलमारूफ शजर टेकारवी से हमने शर्फ तलम्मुज हासिल किया, लेकिन 2 दिसंबर 2000 ईस्वी को
उनके इंतकाल के बाद मैंने किसी को अपना उस्ताद नहीं तस्लीम किया। गोया ये हमारे दो असाजा रहे, समर टिकारवी और शजर टिकारवी। जी हिंदुस्तान के मौकर जरीदे और रसायल और अखबारात में मेरी तख्लीकात गाहे गाहे शाये हुआ करती हैं। वाह। मेरा ताल्लुक दरसो तदरीस और सहाफत से है। क्या बात। एक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल पाटलिपुत्र पटना में, वहां मैं उर्दू का मुअल्लिम हूँ। बहुत अच्छे। जबकि एक अखबार है तासीर, उस अखबार में मैं सीनियर नायब मुदीर हूँ और पटना दूरदर्शन में कैजुअल अनाउंसर भी हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। जी शुक्रिया। आकाशवाणी पटना और दूरदर्शन पटना में जब कभी मुशायरे हुआ करते हैं तो निजामत के लिए लोग मुझे याद करते हैं, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। ये मेरा जी शुक्रिया, ये मेरा मुख्तसरन तारुफ था। आइए मैं आपकी दिलबस्तगी के लिए चंद गजलें हाजिर खिदमत करता चलूं। इरशाद। गजल का मतला हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाएं कि वो जो हर पेचो खम समझता है। वाह। वो जो हर पेचो खम समझता है, वाह, मेरी बातों को कम समझता है। क्या बात। वो जो हर पेचो खम समझता है, मेरी बातों को कम समझता है और सिर्फ पानी पे फूक देने को, सिर्फ पानी पे फूक देने को कितना नादा है, दम समझता है। दम समझता है, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात। कितना नादा है, नवाजिश, ममनून। कितना नादा है, दम समझता है, कितना नादा है, सिर्फ पानी पे फूक देने को कितना नादा है, दम समझता है। और हालात हाजरा के तनाजुर में ये शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए कि कितना पागल है वो सिपाही भी, कितना पागल है वो सिपाही भी, फूल गोभी को बम समझता है। बहुत अच्छे। कितना नादर। जी शुक्रिया। कितना पागल है, कितना पागल है वो सिपाही भी, फूल गोभी को बम समझता है। और शेर मुलाहजा फरमाए, इरशाद, हकीकत हकीकत से ताल्लुक है इस शेर का, कि जो मुसीबत से यार गुजरा है, जो मुसीबत से यार गुजरा है, दूसरों का भी गम समझता है, दूसरों का भी गम समझता है। बहुत जो मुसीबत से यार गुजरा है, जो मुसीबत से यार गुजरा है, दूसरों का भी गम समझता है। बहुत खूब बहुत खूब, शुक्रिया। शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक तंज मजाह से भी है तो संजीदा शायरी में भी कभी कभी तंज का पहलू निकल आता है। मुलाहजा फरमाए ये शेर के, तुझको माचिस की क्या जरूरत है, तुझको माचिस की क्या जरूरत है, अपनी बीवी को कम समझता है। तुझको माचिस, शुक्रिया, तुझको माचिस की क्या जरूरत है, अपनी बीवी को कम समझता है। बहुत अच्छा इशारा है दूसरी तरफ भी, इरशाद। शुक्रिया। इस गजल का मख्ता हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए, अर्ज किया है कि मुझसे रिश्ता वो तोड़ कर रहबर, मुझसे रिश्ता वो तोड़ कर रहबर, खुद को अब भी वो हम समझता है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुकर्रर इरशाद हो, मुकर्रर इरशाद हो, शुक्रिया। अर्ज कर रहा हूँ, मुझसे रिश्ता वो तोड़ कर रहबर, मुझसे रिश्ता वो तोड़ कर रहबर, खुद को अब भी वो हम समझता है। क्या बात, खुद को अब भी वो हम समझता है। क्या बात है।
नाजरीन जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आइए दूसरी गजल का मतला हाजिर खिदमत करता चलूं। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है कि जुर्म है जिसका बाहर है, जुर्म है जिसका, जुर्म है जिसका बाहर है, बाहर है आदमी सीधा अंदर है, आदमी सीधा अंदर है, आदमी सीधा अंदर है, जुर्म है जिसका बाहर है, आदमी सीधा अंदर है। शेर देखें कि बक बक करता असगर है, बक बक करता असगर है और चुप रहता अकबर है, है। वाह वाह। और चुप रहता अकबर है। क्या और बात। हालात हाजरा के तनाजुर में ये शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाए इरशाद के हाथ हूँ पीले बेटी के, हाथ हूँ पीले बेटी के, फिक्र में डूबा हर घर है, फिक्र में डूबा हर घर है। और ये शेर देखें कि जन्म पे जिसके जश्न हुआ, जन्म पे जिसके जश्न हुआ, बोझ वो बनकर सर पर है, बोझ वो बनकर, बोझ वो बनकर, जन्म पे जिसके, जन्म पे जिसके जश्न हुआ, बोझ वो बनकर घर पर है, बोझ वो बनकर घर पर है। और कौन बने लुकमा इसका, कौन बने लुकमा इसका, ताक में बैठा अजगर है, अजगर है, वाह ताक में, जी शुक्रिया। कौन बने लुकमा लुकमा इसका, ताक कौन बने लुकमा इसका, ताक में बैठा अजगर है। नाजरीन आइए मैं तीसरी गजल से आपको महजूज कराने की कोशिश करता हूँ। मतलब हाजिर इरशाद, खिदमत कर रहा इरशाद, इरशाद। मतलब हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाए कि छत ना कोई मकान है प्यारे, छत ना कोई मकान है प्यारे, सर पे एक साहिबान है प्यारे, छत ना कोई मकान है प्यारे, सर पे एक साहिबान है प्यारे, सब तो बलवाइयों ने लूट लिया, सब तो बलवाइयों ने लूट लिया, नाम को बस दुकान है प्यारे, नाम को बस दुकान सब है प्यारे, सब तो सब तो बलवाइयों ने लूट लिया, नाम को बस दुकान है प्यारे। वाह। और हालात हाजरा के तनाजुर में ये शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाए कि सारी चीजें तो हो गई महंगी, सारी चीजें तो हो गई महंगी, सिर्फ सस्ती ये जान है प्यारे, बहुत सारी चीजें हो गई महंगी, हो गई महंगी, वाह वाह, सारी चीजें तो हो गई महंगी, सिर्फ सस्ती ये जान है प्यारे। और शेर मुलाहजा फरमाए, अर्ज किया है कि बच के जाएं भी तो कहाँ जाएं, जाएं बच के जाएं भी, बच के जाएं भी तो कहाँ जाएं, हर सू तीरों कमान है प्यारे, हर सू तीरों कमान है प्यारे, बच के जाएं भी तो कहाँ जाएं, हर सू तीरों कमान है प्यारे। और शेर देखें कि शोर फिर भी है क्या सुनाई दे, शोर फिर भी है, फिर भी है क्या, क्या सुनाई, सुनाई दे, दे। गर्चे अमनो अमान है प्यारे, गर्चे, जी शुक्रिया, अमनो अमान है प्यारे, फिर भी है शोर, फिर भी है क्या सुनाई दे, गर्चे अमनो अमान है प्यारे, मंजिले बिल यकीन मिलेंगी अब, मंजिले बिल यकीन मिलेंगी अब, अजमे रहबर जवान है प्यारे, क्या बात, मंजिले, जी शुक्रिया, मंजिले बिल यकीन मिलेंगी अब, अजमे रहबर जवान जवान है प्यारे, बहुत खूब, बहुत खूब,
श्योर उम्मीद मायूसी भी है को, क्या? जी मायूसी को एकदम से आपने उम्मीद में बदल दिया, बहुत खूब, जी एक जी बार शुक्रिया, मुकर्र नवाजिश। जादो मकता। मंजिलें बिल यकीन मिलेंगी अब, मंजिलें बिल यकीन मिलेंगी अब, अज़्मे रहबर जवान जवान है है प्यारे, प्यारे, क्या बात है, अज़्मे रहबर जवान जवान है है प्यारे। तुम्हारे, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और जी नवाज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।